उसमें एक बंदा उस कबीले का नहीं था, आया हुआ था एक लड़की के पीछे, दोनों में इश्क था, कबीले में शादी नहीं करने दे रहे थे उसकी। सर बेवफाई की आप बात कर रहे थे, जैसे गर्ल साइड से ये आता है कि चार शादियां अगर लड़का कर रहा है तो वो तो फितरती तौर पर ही बेवफा पैदा किया गया है। तो अच्छा, लड़की का मौकफ था, वही बता रहा हूँ। हाँ, लड़की का मौकफ है, लेकिन जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें चार शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन पाकिस्तानी कम्यूनिटी में ये वैसे मुसलमानों को पता भी होता है गर्ल साइड को कि चार शादियों की इजाज़त अल्लाह की तरफ से है, पर वो दूसरी शादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर अल्लाह पाक ने अगर हमें चार शादियों की इजाज़त दी है तो उनके अंदर ये सब्र का अंसर क्यों नहीं डाला? बहुत प्यारा सवाल है, गौर समझे, बड़ा जेन्युइन और इंटेलेक्चुअल सवाल है कि सर आपने अल्लाह का नाम लगा के कहा है ना, तो अल्लाह ने बनाई वो लड़की, वो क्यों बेसब्री हो रही? शी शुड हैव बीन नेचुरली कंपैटिबल विद दिस। बहुत खूबसूरत सवाल है, गौर समझे, आपने वफा को इश्क और प्यार, उल्फत और मोहब्बत के साथ फिल्मों की वजह से मिक्स कर दिया। ठीक है, इश्क भी असल में एग्जिस्ट करता है, मोहब्बत भी, वो जो लड़की लड़के में मियां बीवी में होती है ना, जो मियां बीवी में ही होनी चाहिए, ठीक है, वो फितरी तकाजा है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र कर दिया है, रिकॉग्नाइज्ड है, हमें पता है। और मैं आपको कुछ हदीस सुनाऊं, तोते उड़ जाएंगे पाकिस्तानी यूथ के, ठीक है, कि किस वक्त किस साहबा ने क्या वाकया किया, मैं आपको सुना देता हूं, आप कुछ और ना सोच लें, कैमरे पर जा रहे हैं ना हम सारे। खालिद बिन वलीद ने साहबियों का जब गजवा किया ना, तो उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर सेकंड इन कमांड थे, बड़ा मशहूर गजवा है जिसमें साहबी सारे मारे गए, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने म्यूटनी कर दी थी। म्यूटनी का मतलब है मैं अमीर का हुक्म नहीं मानूंगा। खालिद बिन वलीद ने आके शिकायत लगा दी कि इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में, सबसे बड़ा, कि जंग के दौरान आप अमीर का हुक्म ना माने। अब्दुल्ला बिन उमर को नबी इस्लाम ने बुलाया, दोनों फरीकों की बात सुने बगैर फैसला तो नहीं होता, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा कि वो साहबी जहालत में साबी कह रहे थे हमें, वो मुसलमान हो चुके थे और बाहें खोल के भाग रहे थे हमारी तरफ, और मैंने कहा खालिद बिन वलीद से कि ये तो मुसलमान है, मैं नहीं शरीक हूंगा, मेरी सेंस बता रही है, मेरी मेरी फरासत इतनी है, हर एक की थी उस वक्त, अब ऑर्डर आ चुका था, तो बेदरेख कत्ल हुए वो लोग, भागते हुए आ रहे थे तलवारों के नीचे लग रहे थे। नबी इस्लाम ने उस वक्त क्या इशारा फरमाया कि या अल्लाह मेरा ये खालिद का अपना फेला, मेरा जिम्मा क़यामत वाले दिन इसमें न डाली। अब्दुल्ला बिन उमर इस तरीके से बाइज़्ज़त बरी हुए उससे, उस केस से, और खालिद बिन वलीद को यह सरज़निश नबी सलाम ने शाफ़ भाई। अब हुआ क्या था कि क्यों मैं आपको ये बात बताइए, वो मशहूर गजवा है, उसमें एक वाक्य ऐसा हुआ कि मैं सुनाते हुए हर दफा रो पड़ता हूं, और मैं कोई रोमांटिक आदमी नहीं हूं, मुसलमान हूं। उसमें एक बंदा उस कबीले का नहीं था, आया हुआ था एक लड़की के पीछे, दोनों में इश्क था, कबीले में शादी नहीं करने दे रहे थे उसकी, और कबीले वाला अगर शादी नहीं करने दे रहे थे तो बड़ा मसला चल रहा था, वो कबीले के साथ ही कहीं पे रहना शुरू हो गया था। अब इनकी तो शामत आ गई थी, ये बेचारे मरने लगे थे, सबको कत्ल हो रहा था मुसलमानों की तरफ से, तो उस बंदे को पता चला कि उस लड़की को कत्ल करने लगे हैं, तो वो क्या किया उसने, वो भागा हुआ आ गया कि मैं इसके, ये अगर मर रही है तो मुझे ही मार दो। मैं कोई रोमांस की कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, गौर से समझें, मैं अभी आपको जब खत्म करूंगा नबी अस्सलाम का रिएक्शन क्या था, तो आप भी रो पड़ेंगे इस बात पर। हमने ना जहां से लेनी थी ना डेफिनेशन, वहां से लेने के बजाय शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान से ले ली डेफिनेशन। उस बंदे ने कहा मुझे उस लड़की के साथ कत्ल, अगर किसको कत्ल कर रहे हो मुझे ही मारो। मुसलमान ने कहा भी उस वक्त साहबी ने कि तुम इस कबीले के नहीं हो, बच के निकलना निकल रहे इससे, नहीं मैंने, मैं अगर ये मारिए मैं ही मरूंगा। तो क्या किया फिर, उस लड़की को तो मारना था, ऑर्डर आ चुका था, तो इस साहबी ने जिसने जिसको ये ऑर्डर आया था उसका दिल नरम हो गया, उसने कहा अच्छा तुम बता क्या कर, क्या क्या चाहता है, सिफारिश किसकी हो रही है, जैसे जैसे वो कार्ड वीआईपी कार्ड, कि मरना कैसे, इतना नरम दिल साबी और रो रहा है साबी भी कि मैं क्या करूं, ऑर्डर आ चुका है। वो बंदा मुसलमान नहीं था बाय द वे, ओके। तो उसने कहा फिर ऐसा करो, जिधर उसको बिठाओगे उसको मुझे भी सामने बिठा दो। उसको कत्ल करने लगे हैं, तो फिर उस दोनों में फैसला था पहले कौन मरेगा, तो दोनों ने हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों को मार दिया। नबी वो सामने दोनों मर रहे हैं दूसरे के, फिल्मों का सीन लगता है ना, बताता हूं फिर। जब नबी इस्लाम तक ये वाकया आया तो नबी इस्लाम ने रोना शुरू कर दिया, और खालिद बिन वलीद को कहा कि तेरे सीने में दिल नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है उधर, यू थिंक यू सॉ ईवल, ये ईवल देखा तूने, इससे ज्यादा गुड की कोई निशानी नजर आ रही तुझे, कि वो बंदा कर क्या रहा था, और तुमने फिर भी उस पर तलवार चला दी।
गौर समझे, हमें ना वो फ्लेवर ऑफ इस्लाम ही नहीं मिला कि ऐसा वाक्य हम रिकग्नाइज कर सके। अब मैं आता हूं वफा के ऊपर। हजरत खतीजा जब तक जिंदा थी, आपके सवाल का जवाब मैं आ रहा हूं, वरना ये प्रीएम्बल ना देता आपको ये बात समझ ही नहीं आनी थी कि हजरत खतीजा जब तक जिंदा थी नबी इस्लाम ने शादी नहीं की थी, हजरत फातिमा जब तक जिंदा थी अली बिन अबी तालिब ने शादी नहीं की थी। गौर से समझे इस बात को, जब आप वाकई में उस लव को जो अल्लाह ताला ने बताया, वो फिल्म वाला नहीं, किसी मियां बीवी का हो जाता है ना, और हर इंसान के दूसरी अपनी खातून का मर्द से, मर्द का खातून से उस रिश्ते में अल्लाह ताला डालते हैं, अगर है तो, अगर आपकी नीयत है कि मैंने मरना भी तेरे लिए, तो फिर मैंने आपसे कहा ना हेड एक्स कैन बी क्योर्ड अ मिलियन टाइम, हार्ट एक्स कैन नॉट बी क्योर्ड। फिर ये फितरत मर्द की भी वही है और औरत की भी वही है कि फिर मैंने किसी और जगह पे तेरी शेयरिंग नहीं होगी। मगर अगर आपने वाकई में सोशल सिस्टम के अंदर फराइज पूरे करने हैं तो चार मिनिमम है, ठीक है, चार तो मिनिमम है। अल्लाह ने मिनिमम पे हट कर दिया, कौमों को अल्लाह ने 400 की भी याद दी है शरीयत में, अपनी मुसलमानों पे आके अल्लाह ने श्रिंक कर दिया कि मैं 400 ऊपर ना जाऊं, वरना अल्लाह ने 400 की भी इजाजतें दी हुई है पहले, क्योंकि भाई सोशल सिस्टम नहीं चलेगा वरना, उधर ये वाला इमोशन ट्रिगर ही नहीं होता, वहां पे आप सोशल सिस्टम चला रहते हो। और आप हर मर्द को पता है, हर औरत को पता है, पाकिस्तान में ज्यादातर शादियां बगैर प्यार की होती हैं, बगैर उल्फत के, बगैर इश्क के, उनको नहीं ये वाली जवाज मिलते, ये उस फर्द को ये जवाज है, उसको पता होता है कि मेरा क्या ताल्लुक है मेरी बीवी के साथ, इसके साथ इसका मैंने वो दिल जो है ना वो क्रैक नहीं होने देना। जिसका नहीं है इस तरह का ताल्लुक उसको कोई मसला नहीं है, जिसका है मैं उसकी बात बता रहा हूं। ये दोनों चीजों को इन आइसोलेशन लेते हैं, और जब इन कॉन्सेप्ट्स की शादी होती है ना, वफा की और प्यार की, ये जो मोहब्बत है, तब आपको पता चलता है कि फिर लोग नहीं शादियां करते, वो अपनी उस सैंक्टिटी ऑफ दैट लव को बचाते हैं आदमी की। आप क्या समझे हर आदमी ने चार शादियां करनी है? नहीं, सब ने नहीं करनी, और जिसने करनी है उसको इस कॉन्सेप्ट का पता होता है, वो कभी भी वाला स्टेप नहीं लेता, चाहे जितनी मर्जी इसको करनी हो।